Hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Assistant Doctor, Shiva Hospital and Specialist in Ayurveda, Avian Spine and Joint Related Disorder. So friends, today we are discussing about the case of avascular necrosis from Maharashtra. Maharashtra ke Aurangabad se ek patient mere paas treatment ke liye aaye the jinka naam Arjun ji hai. Arjun kafi lambe samay se, almost 3 years ago, inko Avian ke start hua tha aur 3.5-4 saal hone wale hain is bimari se suffer karte hue. Phir एटलास्ट क्या हुआ कि ये मेरे पास मार्च 2021 में ट्रीटमेंट के लिए आए थे किसी पेशेंट ने यूट्यूब के थ्रू देखा उन्होंने और ये ट्रीटमेंट के लिए आए थे. तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्जुन का फर्स्ट विजिट मार्च का एंड देन उनका फीडबैक क्या रहा मार्च से लेकर आज अगस्त 2021 है. आज 19 अगस्त 2021 है. इस बीच में जो पेशेंट 3.5 साल से सफर कर रहे थे क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद में और आज जो पेशेंट पूरी तरीके से अपने मूवमेंट से सब चीजें कर पा रहे हैं तो उसमें कितने दिन में कैसे कैसे रिकवरी मिली. अब हम आज अर्जुन से बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे. तो अर्जुन कहाँ से थे आप? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र. औरंगाबाद से. तो कब से प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था स्टार्टिंग में? 3 साल से प्रॉब्लम थी. जब स्टार्ट हुआ तो अचानक पता ही नहीं चला. अच्छा, तो क्या कैसे दर्द आया था, कहाँ दर्द आया था? ये जॉइंट में पहले प्रॉब्लम आया था, 1 महीना ऐसे ही जाने दिया. उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, उसने उन्होंने एक्सरे एमआरआई दिया तो फिर बोला क्या बॉल प्रॉब्लम है और ऑपरेशन करना है आपको. अच्छा, ये 3 साल पहले बोला था उन्होंने, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ फिर, क्या मतलब कहाँ कहाँ दिखाया सबने, क्या बोला? सबसे पहले बताया तो उन्होंने ऑपरेशन दिया. फिर उसके बाद मेरी मम्मी थी, उन्होंने उनके एक मैडम थी उनको नॉलेज के लिए उनके पास गए तो बोले आप 3 से 4 डॉक्टर को पहले बताओ फिर ऑपरेशन का डिसीजन लो. ऑपरेशन सबसे लास्ट डिसीजन है. बिल्कुल सही है. फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैं उन्होंने एक डोज दिए थे, एक पुना का ट्रीटमेंट के लिए दिया और औरंगाबाद के. फिर हम पहले पुना गए, उन्होंने कहा था ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अभी बॉल क्लियर है. अच्छा, तो ये जो हुआ था फर्स्ट टेस्ट थी मेरी. अच्छा, उस टाइम फर्स्ट स्टेज थी. अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है. स्टार्टिंग में जब डायग्नोस हुआ था तो फर्स्ट स्टेज थी, बिकॉज जब स्टार्टिंग में मालूम पड़ा पेन हुआ तो इन्होंने एमआरआई कराया, स्टेज फर्स्ट थी. बट जब मेरे पास ये आए थे तो ऑलमोस्ट इनको 3 साल हो चुके थे सफर करते करते. फोर्थ स्टेज पे था. तो कैसे मालूम पड़ा यहाँ के बारे में, क्या हुआ था? ये एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो पता चला, मुंबई के एक पेशेंट था उनका वीडियो देखा, उनको 3 साल ज्यादा हो गया था उनको. हाँ, उनका वीडियो देखा तो फिर जो मुझे पेन हो रहा था वो कोई मुझे मिल ही नहीं रहा था, उसका इलाज है ऐसा कुछ. अच्छा, तो दवाइयां भी तुमने बहुत सारी खाई होंगी, तो क्या रिलीफ लगा उससे? कुछ रिलीफ लगा नहीं, जब तक दवाई खा रहे तब तक है, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम सेम एज इट इज प्रॉब्लम. अच्छा, तो ये बढ़ता ही कम नहीं हुआ. तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जब हुई थी इनको तो पेन किलर्स और डॉक्टर से कंसल्टेशन करना ये सब चीजें इन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी, इधर उधर से मेडिसिन भी लिया. तो जब ये मेरे पास आए थे तो ऑलमोस्ट 4th स्टेज तक एवियन इनका आ गया था. मेरे पास विजिट कब हुई थी आपकी? मार्च में हुई थी, मार्च 2021 में. तो उस टाइम 4th स्टेज एवियन था. सेकंड स्टेज था. अब हम बात करेंगे पहले इनके एक्सरे की, बिकॉज मार्च का एक्सरे मैं आपको दिखा दूं कि मार्च में क्या प्रॉब्लम के साथ अर्जुन मेरे पास आया था फर्स्ट. तो ये एक्सरे है अर्जुन का, फर्स्ट एक्सरे है मार्च का. Now you can see there is a some degeneration in the hip joint. That is a March 6 March 2021. That is the first X-ray of the Arjun patient. And ये X-ray अभी मैंने आपको बताया है जिससे आपको समझ में आया होगा कि first X-ray ये इसमें degeneration. Almost 4th stage in the right and left hip joint. There is a 2nd stage above. अब treatment complete हुआ है आज. Means जब हमने पहले complete किया था तो ये 14th का X-ray. 14th 3rd 2021 means 14 तारीख को ये डिस्चार्ज हुआ था जिसमें ये चेंजेस मिले थे. इसमें देख सकते हैं इसमें एग्जैक्टली पहले से क्लियर हुआ था एंड इस वाले में काफी. तो ये 2nd एक्सरे था जब हमने करवाया था और आज जो अगस्त 2021 19th अगस्त क्योंकि आज है, इसका एक्सरे ये है. अब इस वाले से पहले देखें तो पेल्विस पूरा इक्वल है और बॉल का शेप एंड डिजनरेशन भी काफी हद तक रिकवर है. मूवमेंट्स में अब इनसे बात करेंगे कि मूवमेंट्स में ये एक्सरे तो आपने देख लिया फर्स्ट एंड 6 मंथ के बीच का क्या डिफरेंस निकला. अब हम बात करेंगे मूवमेंट्स की कि अर्जुन के में मूवमेंट्स में क्या चेंजेस आए, इनके लाइफ में क्या चेंजेस आए स्टार्टिंग से लेकर मार्च से लेकर और ये अगस्त तक. तो अर्जुन क्या हुआ था फर्स्ट विजिट जब कंप्लीट हुई
तो क्या क्या चेंजेस तुमको लगे थे भाई मार्च में, क्या इम्प्रूवमेंट करा था? उसके बाद मेरा जो वर्किंग जो डे होता है, मैं 10 से 12 घंटे चेयर पे या इसपे बैठ के रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती अभी। पहले आधा घंटा भी बैठता हूँ तो पहले मुझे लिखने के लिए कुछ तो चाहिए होता, कुछ चाहिए होता। अच्छा, तो ये मार्च जब मैं फर्स्ट विजिट करी थी उसके बाद से ही इम्प्रूवमेंट आया था? हाँ, तब से ही इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, और लेफ्ट साइड का जो सेकंड टेस्ट था वो तभी क्लियर हो गया था, तभी क्लियर। अभी कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा, तो ये मार्च के बाद तुमने मेडिसिन कितने टाइम तक कंटिन्यू करी थी? ये पहले कोरोना के वजह से हमारा 2 महीने लॉकडाउन था, इधर आना थी और मेडिसिन भी मुझे तब बंद हुई होंगी शायद। हाँ, मेडिसिन भी बंद थी, तब मैंने उसको एडजस्ट किया, तो पहले 1 महीने कंप्लीट किया, उसके बाद जो मतलब बीच बीच में मेडिसिन छोड़नी भी होगी, छोड़ी नहीं, दो टाइम के जगह एक एक टाइम लिया। तो अच्छा अच्छा, मीन्स जो प्रॉपर डोजेस थे वो तुमने नहीं लिए और उसका डोजेस कम करके अपने आप तुमने, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था बीच में, तो उसके उस बीच में तुमने डोज कम किया, तब भी कोई दिक्कत तुमको लगी ऐसी कुछ? नहीं, दिक्कत नहीं हुई, उसका इम्प्रूवमेंट होते गया, इम्प्रूवमेंट होता गया उसमें। तो क्या क्या अभी क्या लाइफ है तुम्हारी पहले से अभी में, क्या डिफरेंस आया आज? अभी मैं जैसे ट्रीटमेंट का होता यहाँ से तो इतना चलना भी पहले मुश्किल था, अभी मैं 4 राउंड भी मारूं तो कोई दिक्कत, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से चलवाता हूँ, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं होता। अच्छा, और क्या चेंजेस तुमको लगे तुम्हारे वर्किंग में, क्या लगा चेंज? वर्किंग में सबसे पहले वही बैठना और उठना और चलना ज्यादा होता है मेरा। हाँ, तो अभी कर पा रहे हैं इजीली? इजीली कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो ये डिफरेंस तुम्हारे पहले से अब में आया। मेडिसिन नहीं लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऐसा कुछ? नहीं, अभी कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मेडिसिन देना तब भी? एक महीना ऐसा हुआ कि मेडिसिन खत्म हो गई फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं आई। अच्छा, तो इतना मतलब ऐसा ऐसा चेंजेस लगने के बाद क्या लगता है कि अब हम आगे कैसे आगे बढ़ेंगे और कितना इम्प्रूवमेंट और लग रहा है, मतलब कितना और कैसे आगे फॉलो करना है, मतलब डाइट प्लान से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड? डाइट प्लान में ज्यादा महत्व है, मैं ज्यादा अच्छा फॉलो करना होता है। एक्सरसाइजेस कैसे कर रहे थे तुम? एक्सरसाइज डेली सुबह और शाम दो टाइम, वो रेगुलर कर रहे थे? हाँ, थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या बोलना चाहोगे जो पेशेंट तुम्हारे औरंगाबाद के हैं उनको, क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन आप बिल्कुल भी मत करें, इसका इलाज है बिल्कुल, और आप डॉक्टर साहब के पास आकर एक बार जरूर दिखाइए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो तुम, ऑपरेशन इसका मतलब है ही नहीं, इसका ऑपरेशन के बगैर भी आप हो सकता है आपके, क्योंकि अर्जुन थोड़ा महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो हिंदी इनका प्रॉपर थोड़ा सा नहीं है, जस्ट बिकॉज की बोलने में कुछ शब्द के इश्यूज आते हैं, तो बिल्कुल क्योंकि अर्जुन काफी परेशान थे, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं, रिविजिट के पेशेंट हैं, तो पेशेंट के क्वेश्चन होता है कि सर आपका रिविजिट का पेशेंट होता है क्या वो पूरी तरीके से नॉर्मल रहता है, या अगर अच्छे से फॉलो करता है तो कितना रिकवरी मिलती है उनको, तो अर्जुन इज अ वन केस, तो आप उसको इनके एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं। अर्जुन अभी मूवमेंट में कैसा लग रहा है तुमको, जैसे उठने उठने बैठने में कैसा लग रहा है अभी? अभी इतना तो दिक्कत नहीं आती, अभी उठो जरा, पहले दिक्कत थी सर की? जी पहले क्या खड़ा होता हो तो 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, चलते होता है सर पर नीचे ऊपर होता, अभी कैसा चलो जरा, अभी नॉर्मल ही चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, और ओपन स्पीड में चल रहा हूं, ओपन करके जाओ बाहर बाहर जाओ, इसके ऊपर बाहर एक्सपीरियंस, पहले हाथ लगा के चलना पड़ता था, अब बिना हाथ लगा के अभी अर्जुन थे, इनका आपने वीडियो और इनका मोमेंट भी देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से कंडीशन 4th स्टेज पहले पेशेंट की होती है और आज अर्जुन की क्या चेंजेस, कितने इम्प्रूवमेंट लगे। सो दैट इज़ द थिंग, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, जो 3 साल 3.5 साल अर्जुन ने एलोपैथिक साइंस में या इस मेडिसिन खाने के बाद या इधर उधर मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद रिलीफ नहीं लगा उनको, ये रिलीफ मैंने 6 मंथ के अंदर फर्स्ट विजिट में इन्होंने सारे स्टार्ट अपने काम स्टार्ट कर दिए थे एंड आज ये इनकी सेकंड विजिट कंप्लीट हो गई और ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सारी वर्किंग कर रहे हैं। सो जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि 3 साल अर्जुन ने वेस्ट किए हैं एक ट्रीटमेंट को ढूंढने में,
अर्जुन के वीडियो के थ्रू या अर्जुन के एक जस्ट स्टोरी के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा कितना इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी हम विजिट करते हैं उतना जल्दी हमें रिकवरी और अच्छी देखने को मिलती है। सो इस वीडियो को जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, जो एवियन सफ़र कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के, उनको शेयर करिए जिससे हम उनको सर्दी से बचा सकें। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड हेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।